हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनु छाबड़ा। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूं मेरा फेस शेप और आईब्रोज का ट्यूटोरियल। आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपसे शेयर करूं कि मैं अपना फेस शेप कैसे करती हूं और अपने आईब्रोज घर पर कैसे करती हूं, तो मैं आज उसी का ट्यूटोरियल लेकर आई हूं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको फेस शेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्राई स्किन पर शेव करने के डूज एंड डोंट्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज को मिस नहीं कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हमें फेस शेव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फेस शेव करने के दो तीन रीजन्स हैं। एक, सबसे पहले अगर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ हार्ड हो चुकी है और आपको उस हार्ड ग्रोथ को रिमूव करने के लिए या तो वैक्स का यूज करना पड़ता है या थ्रेडिंग यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही पेनफुल मेथड है, तो आप फेस शेविंग का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और पेनलेस मेथड है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे घर में दो या तीन दिन के गैप में जिस तरह से आपकी ग्रोथ हो आप उसके अकॉर्डिंग इसे घर में ही कर सकते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल मेथड है। और सेकंड रीजन है, अगर आप डेली मेकअप अप्लाई करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेस शेविंग बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि मेकअप बहुत ही अच्छे से बटर की तरह मेल्ट होता है स्किन के अंदर, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। थर्ड रीजन है कि हमारा स्किन केयर बहुत ही अच्छे से पेनेट्रेट होता है हमारी स्किन के अंदर जब हम अपने फेस को शेव कर लेते हैं, और हमारे फेस पर किसी भी तरह के छोटे छोटे बाल नहीं होते हैं, तो जो भी स्किन केयर हम अपने फेस पर लगाते हैं वो अच्छे से पेनेट्रेट होता है और हमारी स्किन पर अच्छे से काम करता है, उसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। मैंने फेस शेव करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे फेस पर बहुत ही छोटे छोटे बाल थे, मेरी ग्रोथ हार्ड नहीं थी लेकिन काफी ब्लैक थी, और मैं ब्लीच नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, मेरी वॉटरी आईज हैं, तो मेरे को ब्लीच करने से बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते थे, इसलिए मैंने फेस शेव करना स्टार्ट किया। फेस शेविंग को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं फ्रेंड, जिन्हें मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे। एक तो ये है कि आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, फ्रीक्वेंटली होती है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम फेस पर वैक्स करते हैं तो बालों की ग्रोथ स्किन के अंदर से निकलती है, जिसको कि ग्रो होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए हमें फील होता है कि वैक्स करने के बाद बालों की ग्रोथ जल्दी नहीं हो रही है। जबकि जब हम फेस शेव करते हैं तो बालों की ग्रोथ स्किन के ऊपर से ही हम रिमूव करते हैं, तो बाल जो है जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बट मुझे ये तरीका काफी अच्छा लगता है बिकॉज इसमें आपकी स्किन बिल्कुल खिंच नहीं रही है, क्योंकि वैक्स जब हम करते हैं या थ्रेडिंग करते हैं तो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हमारी स्किन खिंचती है। सेकंड मिथ है फ्रेंड्स कि आपकी बालों की ग्रोथ जो है हार्ड हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप अपने फेस को शेव करते हैं, बालों की अपर लेयर को आप कट कर देते हैं, तो बालों की रूट से उसको कट करने का कोई लेना देना नहीं है। आपके बालों की ग्रोथ जैसी है नेचुरली वो वैसी ही रहेगी। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और ड्राई स्किन पर ड्राई शेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने फेस पर शेव किया था तो मैंने ड्राई शेव किया था, और उसके बाद मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा एक्सफोलिएट हो गई थी, बहुत पिंपल्स हो गए थे और बहुत दिनों तक मेरी स्किन जो है सेटल नहीं हो पाई थी, तो उस वक्त मैंने फेस शेविंग को छोड़ने के बारे में सोचा था। लेकिन मैंने यूट्यूब पर और कुछ वीडियोस देखे जिसमें मैंने देखा कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपको अपने फेस पर ड्राई शेव नहीं करना चाहिए। उसके बाद से मैं हमेशा अपने फेस को पहले मॉइस्चराइज करती हूँ किसी भी लाइट मॉइस्चराइजर से या फिर एलोवेरा जेल से। अगर आप अपना फेस शेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप एक पैच टेस्ट कीजिए। आप अपने जॉ लाइन के थोड़े से पोर्शन पर फेस शेव कीजिए और उसके बाद आप 15 से 20 दिन तक उसे ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको कोई पिंपल्स नहीं होते हैं, कोई भी रैशेज नहीं होते हैं, तभी आप इस मेथड को अडॉप्ट कीजिए। मैं अपने फेस को 20 से 25 दिन में शेव करती हूँ और आईब्रोज को ऑल्टरनेट डेज पर क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब आईब्रोज की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो फेशियल रेजर यूज करने में थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है,
शुरू में जब मैंने आईब्रोज करना स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा यहाँ पर कट लग गया था, बट अब वो ग्रोथ आ गई है क्योंकि आपको बहुत ही केयरफुली अपने आईब्रोज को शेव करना पड़ता है। बट धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, 2 से 4 बार आप इस मेथड को कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका हाथ सेट हो जाता है। इनिशियली फेस शेव करने के लिए मैं टिंकल के ब्राउ रेजर्स यूज करती थी, इसे आप इजीली अमेजोन पर परचेज कर सकते हैं। ये 3 का पैक आता है और इसकी इसका अमाउंट है अराउंड 150। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो। इसे यूज करने से पहले आप इसे सैनिटाइज जरूर कीजिए, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े से गर्म पानी में 1-2 चुटकी नमक डाल के आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसे आप यूज करने से पहले भी कीजिए सैनिटाइज और यूज करने के बाद भी सैनिटाइज कीजिए और वाइप ऑफ करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये इजीली 4 से 5 बार यूज हो जाता है अगर आप पूरे फुल फेस को शेव करते हैं तो। और करंटली मैं यूज कर रही हूँ ये मिनीसो के फेशियल रेजर्स, ये बहुत ही अच्छे हैं, टिंकल से इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसे मैंने मिनीसो से परचेज किया था। मैंने मिनीसो हॉल में भी आपको ये दिखाया था, टिंकल से काफी अच्छी क्वालिटी है और काफी शार्प भी है ये। तो गाइस अब मैं यहाँ पर आपको अपना फेस शेविंग रूटीन दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लेंस कर लिया है नॉर्मल फेस वॉश से और अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। यहाँ मैंने फेस शॉप का बैम्बू जेल यूज किया है, आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। अपनी हेयरलाइन के पास से मैं अपनी स्किन को हल्का सा स्ट्रेच कर रही हूँ और फेशियल रेजर को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मुझे पकड़ना है, इसे थोड़ा सा एंगुलर ही रखना है और उसके बाद मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अपने फेस को शेव करूंगी। आपको बिल्कुल हल्के प्रेशर से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं, बिल्कुल एक स्ट्रोक में आपको अपने फेस को शेव नहीं करना है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बाल और डेड स्किन निकल रही है। रेजर को मैं बीच बीच में टिश्यू पेपर से क्लीन कर लूंगी। बस इसी तरह से मैं अपने पूरे फेस को धीरे धीरे शेव कर लूंगी। आप चाहें तो यहीं पर रुक सकते हैं, आप अपने चीक्स पर और नोज पर फेस शेव नहीं कीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा बाल नहीं है तो, आप सिर्फ साइड्स के हेयर को ही क्लीन कर लीजिए। अपने स्किन पे मैं बहुत ही लाइट प्रेशर से शेव कर रही हूँ, बहुत ही हल्का सा मैंने अपने स्किन को स्ट्रेच किया है। अगर आपकी स्किन पे कहीं भी एक्टिव एक्ने हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप उस पर रेजर बिल्कुल भी नहीं करें, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएगा। नोज पर मेरी बाल नहीं है बट मैं स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए ही इस पर रेजर कर रही हूँ। और अब मैं क्विकली अपनी सेकेंड साइड भी शेव कर लूंगी। अगर आपको लगता है आपका मॉइस्चराइजर स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है तो आप डेफिनेटली और मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए।
और अब मैं अपने फोरहेड को भी शेव करूँगी। आप बिल्कुल हेयरलाइन के पास से शेव नहीं करें, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, काफ़ी फेक लुक देता है। और अब मैं अपने आईब्रोज को क्लीन करूंगी। ये मेरे को 2 या 3 दिन पहले की ग्रोथ है। थोड़ा सा मैंने आईज को स्ट्रेच किया है और मैं बहुत ही हल्के स्ट्रोक्स ले रही हूँ। आपको आईब्रोज को बहुत ही केयरफुली क्लीन करना है। और अब मैं आईब्रोज के अपर पोर्शन को क्लीन करूंगी। यहाँ पर आप बहुत ही केयरफुली छोटे छोटे स्ट्रोक्स लें फ्रेंड्स। और मैं ये कहूँगी कि आप आईब्रोज पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र या जेल नहीं लगाएं, क्योंकि इससे रेज़र जो है थोड़ा स्लिप होता है। और अब क्विकली मैं अपनी सेकेंड आईब्रो भी क्लीन कर लूँगी। तो गाइस, अब मैंने अपना पूरा फेस शेव कर लिया है और इस वक्त मुझे मेरी स्किन काफ़ी ड्राई फील हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सफोलिएट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी मेरा हाइड्रेटिंग टोनर। ये है फेस शॉप का चिया सीड टोनर। आपके पास जो टोनर अवेलेबल हो आप वही टोनर यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं अपने पूरे फेस पर पैटिंग मोशंस में अप्लाई कर लूँगी। अब जब मेरी स्किन बिल्कुल एक्सफोलिएट हो चुकी है तो इस पर अब मैं जो भी मास्क या सीरम लगाऊंगी वो बहुत अच्छे से काम करेगा, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ फेस शॉप के शीट मास्क। आप कोई भी शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स मैं इस शीट मास्क को रिमूव कर दूंगी और इस सीरम को अपने फेस पर इसी तरह से छोड़ दूंगी। अगर कुछ देर बाद मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत लगे तो आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये है मेरा फेस शेविंग का एक्सपीरियंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं। सो गाइस, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।